फ्रेंड्स, अगर आप HDFC बैंक के यूजर्स के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के यूजर्स हैं और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस क्रेडिट कार्ड के EMI को आप ऑटो पे में कैसे सेट कर सकते हैं ताकि आपका EMI आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक समय पर डिडक्ट होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल सा, सबसे पहले आपको HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप में एक अकाउंट बना लेना है। उसके बाद सिंपल सा आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस शो होता है। अब आपको अपना ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको ऊपर में 3 डॉट का एक आइकन शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऑटो पे सेटअप के लिए आपको एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से दोबारा से बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके अकाउंट से लिंक क्रेडिट कार्ड और आपके अकाउंट से लिंक डेबिट कार्ड शो होगा। यही आपके दोनों क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होंगे। आप यहाँ पर कार्ड नंबर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा आपको अपने क्रेडिट कार्ड का ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको अपने इस क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन के साथ नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का अवेलेबल लिमिट शो होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो अगर आपका कोई EMI जनरेट हुआ होगा तो वो यहाँ पर शो होगा। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का EMI का ऑटो पे सेटअप करने के लिए नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑटो पे, यहाँ पर डिसेबल और यहाँ पर इनेबल। यानी कि अगर आपको अपना ऑटो पे इनेबल करना है ताकि आपका EMI ऑटोमेटिक पे होता रहे आपके अकाउंट से, तो आपको इस इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका जो EMI जनरेट हुआ है वो टोटली एक ही बार में आप पे करना चाहते हैं या फिर उसका मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना चाहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पे टोटल ड्यू और पे मिनिमम ड्यू का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहां पर क्लियर करिए कि आप कौन सा अमाउंट पे करना चाहते हैं। तो अगर आप एक ही बार में जितना EMI जनरेट हुआ है उसे पे करना चाहते हैं तो आपको टोटल ड्यू अमाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप पे मिनिमम ड्यू अमाउंट का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे आइए और फाइनली आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ जानकारी देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोबारा से आप इस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका ऑटो पे सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। आपको यहां फाइनली डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका EMI ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। अब आपको अपना EMI मैनुअली पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यहीं से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस चेंज पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भी बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आया तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।